सच्चा भरोसा और अटूट विश्वास, इनसे निकलती है उम्मीद की रोशनी और यही रोशनी हमें देती है सच्ची खुशियां। इन खुशियों से ही बनता है हमारे सपनों का घर। जो भी हो, बस सच हो, रियल हो। आज के दौर में किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वहां के स्टील प्रोडक्शन को सबसे बड़ा बेस माना जाता है और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने तो अपनी स्टडी से बाकायदा इसे साबित भी किया है। इसके मुताबिक आने वाले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्ट डेवलपिंग नेशन होगा, क्योंकि इस साल यहां स्टील की डिमांड 7% बढ़ गई है। अगले साल यही डिमांड 10% तक बढ़ जाएगी। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में इतनी तेजी से किसी और कंट्री में स्टील की डिमांड नहीं बढ़ रही है। स्टील की इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, और अगर अपने देश को दुनिया के नक्शे में सबसे तेज डेवलपिंग कंट्रियों में शामिल करना है तो बेस्ट क्वालिटी स्टील का प्रोडक्शन करना होगा। क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण नाम है रियल इस्पात एंड पावर। छत्तीसगढ़ से अपनी शुरुआत करने वाले रियल इस्पात एंड पावर के ब्रांड GKTMT और वायर रॉड को आज पूरे भारत में क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। कमिटमेंट, सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी और सर्विस, यही वो बातें हैं जिन्होंने GKTMT को देश का पसंदीदा ब्रांड बना दिया है। मजबूत फौलादी इरादों के साथ GKTMT ने अपने नाम को सही साबित करते हुए ये बता दिया है कि बड़ी सोच और बड़े सपनों के साथ जब कमिटमेंट जुड़ जाता है तो सक्सेस खुद ब खुद मिलती चली जाती है, और इसलिए ब्रांड का स्लोगन भी बना सपनों को जी के देखो, जी के देखो सपनों को, सपनों को जी के देखो, अपनों से मिलाएंगे अपनों को, कर लेंगे बस में खुशियों को, बुलंदियां छू लेंगे, मंजिले पालेंगे, हमने ना देंगे कदमों को। बंधन मजबूतियों का ये रिश्ता है सदियों का, GKTMT सपनों को जी के देखो। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री उमेश अग्रवाल जी ने चाइना में अपने दौरे के दौरान डायरेक्ट हॉट बिलेट चार्जिंग प्रोसेस को देखा, और आज GKTMT का प्रोडक्शन इसी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। GKTMT का प्रोडक्शन रियल इस्पात के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाता है, जहां सबसे पहले हाईली कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी में रॉ मटेरियल की फिजिकल और केमिकल क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद इस कच्चे माल से डायरेक्ट हॉट बिलेट्स प्रोसेस के द्वारा फुली ऑटोमेटिक हाई स्पीड रोलिंग मिल में रोल किया जाता है। थर्मिक्स टेक्नोलॉजी के क्विंचिंग प्रोसेस से होते हुए GKTMT को कूलिंग बेड पे लाया जाता है, जहां फिजिकल टेस्टिंग के लिए इसे लैब में भेजा जाता है। ये टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में पहली बार TMT एवं वायर रॉड बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है, और इसमें 100% सफलता प्राप्त हुई है। 8 mm से 40 mm तक बनाए जाने वाले GKTMT को इस स्पेसिफिकेशन 1786/2008 के अंतर्गत FE 415 से FE 600 तक बनाया जाता है, और अब इस फाइनल प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक बंडलिंग मशीन से बंडलिंग करने के बाद इसे स्टॉक यार्ड में पहुंचाया जाता है।
जहां इसे ग्रेड के हिसाब से स्टॉक किया जाता है। रियल इस्पात भारत के सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंडली प्लांट्स में से एक है, जहां प्रदूषण को कम से कम करने के लिए सभी उपाय सरकारी नियमों के अनुसार अपनाए जाते हैं और हर प्रयास अपने आसपास के वातावरण को साफ और शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। सन 1999 में ग्रुप चेयरमैन श्री राजेश अग्रवाल ने एक बड़े विजन के साथ इस कंपनी की बुनियाद रखी। कंपनी के प्रोग्रेस में डायरेक्टर्स उमेश अग्रवाल, रमेश अग्रवाल के साथ बसंत अग्रवाल और शिव अग्रवाल का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट रहा। अपने एक्सपांशन प्रोग्राम के तहत रियल इस्पात ने शिवालय इस्पात एंड पावर लिमिटेड को भी टेक ओवर किया है। इस तरह अब इस ग्रुप की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि शिवालय इस्पात में साल भर में 90,000 मीट्रिक टन स्पंज आयरन का प्रोडक्शन होता है। मार्केट की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बनाने के कारण ही जीके टीएमटी को देश विदेश में मंगाया जाता है। खास बात यह है कि इनमें बहुत सी बड़ी और नामी कंपनियां भी शामिल हैं। स्टील प्रोडक्ट के साथ साथ रियल इस्पात की पहचान उसके 12 मेगावाट के इंटीग्रेटेड पावर प्लांट से भी है, जिसमें उत्पन्न बिजली भारत के काफी राज्यों में सप्लाई की जाती है। और यही कारण है कि जीके टीएमटी उत्पादन के लिए पावर के मामले में किसी पर भी निर्भर नहीं है। जीके टीएमटी का संपूर्ण ऑटोमेटिक प्लांट अपने आप में इस बात का गवाह है कि टेक्नोलॉजी का कोई भी पहलू इनसे अनछुआ नहीं है। रियल इस्पात एंड पावर ने अपने एक्सपांशन के साथ अपने कारपोरेट ऑफिस को भी नया लुक दिया है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। कंपनी ने क्वालिटी को अपनी हर यूनिट में मेंटेन किया है। क्वालिटी कंट्रोल पर यहां इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जीके टीएमटी और वायर रॉड के कस्टमर्स पहली नजर में इस ग्रुप पर भरोसा करते हैं। अविनाश ग्रुप आज छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एक मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज इस हमारी इस भूमिका में एक बहुत बड़ा सहयोग जीके टीएमटी ग्रुप का है और रियल इस्पात ग्रुप का है, जिन्होंने जब जब हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट टीएमटी के रूप में हमारी रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो मॉल हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कॉरपोरेट ऑफिस हो, कॉलोनी हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, इन ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, whenever we needed a TMT, the first choice was GK TMT, and I believe ये ऐसे ही success इन्हें इस group को मिले और विश्व के हर कोने में इनका एक product उपलब्ध रहे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, साथ में अपनी company का नाम रोशन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं GK TMT परिवार को, GK TMT group को। Company की marketing team advertisement के नए नए तरीकों से अपनी branding करती है, जिससे company के branding के साथ साथ लोगों तक कुछ सोशल मैसेज भी पहुंच सके। और यही वजह है कि जीके टीएमटी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों सुपर ब्रांड अवार्ड भी मिल चुका है। बेस्ट टेक्नोलॉजी और अपने टॉप ग्रेड प्रोडक्ट के लिए जीके को बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इस सक्सेस को बनाए रखने के लिए जीके टीएमटी के प्लांट में एनवायरमेंट मेंटेनेंस पर भी खास ध्यान दिया जाता है। साफ सफाई और ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जाते हैं। समय समय पर भव्य रूप से हवन और पूजा का आयोजन किया जाता है। एम्प्लॉयज को इनकरेज करने के लिए कंपनी में समय समय पर अवार्ड्स फंक्शन भी होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी नए नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इस प्रोग्राम में सभी वर्कर्स को उनकी जरूरत के समय हर तरह से मदद की जाती है। इस पहल से ग्रुप के वर्कर्स भी बहुत ही खुश हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर नेटवर्क पे भी कंपनी ने उतना ही ध्यान दिया है। नई नई स्कीम के जरिए अपने ग्राहकों तक ज्यादा लाभ पहुँचाने की कोशिश भी कंपनी की पॉलिसी में हमेशा से ही रहा है।
और इसी कड़ी में कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के लिए सिंगापुर, मलेशिया और बैंकॉक पटाया का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। पिछले कुछ सालों से मैं रियल इस्पात के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इन कुछ सालों में मेरा यह अनुभव रहा है कि जीके टीएमटी उन छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और रूरल एरियाज तक पहुँच चुका है जहाँ पे सिर्फ नॉन आईएसआई प्रोडक्ट की ही डिमांड हुआ करती थी। कंपनी की कंज्यूमर रिलेटेड स्कीम्स जिससे ना कि रूरल एरियाज के डीलरों को बल्कि वहाँ के मकान बनाने वालों को भी बहुत फायदा हुआ है। रियल इस्पात ने हमेशा मुझे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे डीलरों को हमेशा एक परिवार की तरह माना है, जिसके लिए मैं कंपनी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए और मेरे समस्त व्यापारी के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिनका खुद का इंटीग्रेटेड प्लांट है, खुद का पावर है, खुद का रॉ मटेरियल है और अच्छे से अच्छे रॉ मटेरियल के माध्यम से ये टीएमटी बना रहे हैं। जीके टीएमटी ने अपनी सीएसआर एक्टिविटी में भी एक अलग पहचान बनाई है। रायपुर सहित दूसरे शहरों में जीके टीएमटी के नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए हैं। साहित्य और कला सहित तमाम कल्चरल एक्टिविटीज के लिए रायपुर शहर के बीच में एक बेहद खूबसूरत वृंदावन हॉल बनाया गया है, जो कि सभी नॉन प्रॉफिटेबल सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निःशुल्क दिया जाता है। हमारी कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार हाई क्वालिटी के स्टील प्रोडक्ट निरंतर बनाते आ रहे हैं। जीके टीएमटी और वायर रॉड आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अत्यधिक लोकप्रिय ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए हम आगे भी आप सभी लोगों की उम्मीदों के अनुसार अपने उत्पाद की क्षमता एवं गुणवत्ता पे और ध्यान देंगे। आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में आप लोगों का जो सहयोग मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कोई फर्क किए सभी को साथ लेकर चलने की इस सोच ने आज रियल इस्पात परिवार के हर सदस्य को एक मुस्कान दी है और यही कारण है जीके टीएमटी के एक कामयाब ब्रांड होने का।